जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। दोस्तों, इस समय बर्फ़ जैसी ठंडी हवा चल रही है। पानी पड़ गया चुका है शाम को और इतनी तेज़ हवा चल रही है बर्फ़ जैसी। देखिए पेड़ वगैरह कितनी तेज़ी से लहरा रहे हैं। एक अक्षय तृतीया वगैरह पर अमूमन मौसम में बदलाव होता है। हमारे मैंने देखा है मथुरा में कई चीज़ देखी मैंने, कि अक्षय तृतीया हुई, जन्माष्टमी हुई और शिवरात्रि हुई, सावन के सोमवार हुए, इन सब में मौसम हमेशा बढ़िया ही रहा है ज़्यादातर। ठीक है ना, ये मैं आपको कुछ बढ़िया सी चीज़ बताता हूँ। आज अक्षय तृतीया है, परशुराम जयंती भी है। ठीक है ना, याद रखिए जयंती से ज़्यादा प्राकृतिक दिवस कहा जाता है, तो क्योंकि भगवान है तो प्राकृतिक दिवस होगा, वो जयंती नहीं होती। मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं आपको कि अक्षय तृतीया को कोई भी विशेष साधना या कोई भी विशेष मंत्र उठा सकते हैं आप, उसमें किसी चीज़ का देखने की ज़रूरत नहीं है। और जो विशेष मुहूर्त हैं वो शाम से ही शुरू हुए हैं, वैसे तो दिन भर होता है, शाम से शुरू हुए हैं और ये आपके जो लगातार चलेंगे, ये आपके आज कल परसों, ठीक है ना, 3 दिन तक रहेंगे। तो आप करें ऐसे, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ मंत्र बता रहा हूँ जो समृद्धि प्राप्ति के लिए होते हैं, जिसमें कि लक्ष्मी की मंत्र हैं, माता लक्ष्मी की, वो आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है ना, और उसके अलावा भगवान दत्तात्रेय और माता कमला यानी लक्ष्मी के, भगवान हनुमान जी बाबा के, भगवान विष्णु के, तो मैं कुछ मंत्र आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो उसे आप कर आराम से करें उसे आप। तो देखिए लक्ष्मी जो विष्णु भगवान का मंत्र है वो तो ये है, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ध्यान रखिएगा ओम श्री विष्णुवे नमः। अक्षय तृतीया को करने के लिए रात को आप कर सकते हैं इसको 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, जो विशेष मुहूर्त रहेगा लक्ष्मी मंत्रों के लिए, तो 9 से 12 रहेगा, तो उसमें आप कर सकते हैं इसे आराम से। ठीक है, और दत्तात्रेय के लिए रहेगा वो आज के लिए जो विशेष मंत्र रहेगा, उसमें दत्तात्रेय का जो बीज है उसकी जगह आप ध्यान रखिएगा, वो उसकी जगह आएगा श्रीम, ओम श्रीम दम दत्तात्रेय नमः, पहले श्रीम आएगा लक्ष्मी बीज, उसके बाद दम आएगा और फिर दत्तात्रेय नमः। आप इसको जो प्राचीन तंत्र की किताबें हैं, जो लक्ष्मीदायक तंत्र, उसमें देख सकते हैं, इस मंत्र को मिल जाएगा आपको आराम से। ठीक है ना, और एक जो मैं मंत्र बता रहा हूँ हनुमान जी का, आप उसको भी इसमें कर सकते हैं सिद्ध। ठीक है, हनुमान जी का जो मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम हम हूँ, ध्यान रखिएगा, दोबारा सुन लीजिए, ओम श्रीम ह्रीम हम हूँ पवन नंदनाय स्वाहा, मात्र ये मंत्र है। और आज इसकी शुरुआत अगर करनी है आपको, तो आपको इसकी कम से कम 3 माला आज करनी होगी, और जो वो दूसरे मंत्र दिए हैं उसकी आप एक एक माला भी आज शुरुआत कर सकते हैं। बाकी अगर आपने आज शुरुआत कर ली उसकी, 11 या 21 या 27 दिन तक लेके चलें, तो आपको लाभ दिखेगा, और वास्तव में लाभ दिखेगा, आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं करके। ठीक है ना, और दिशा तीनों मंत्रों की दिशा रहेगी पूर्व, पूर्व या ईशान कोण, तीनों मंत्रों की ध्यान रखिएगा। और आप इसे सामने जल का पात्र रख लें करने से पहले, और धूप दीप जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आप कर लें, और प्रसाद में कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी मीठा लगा सकते हैं प्रसाद में। ठीक है ना, जिसमें दत्तात्रेय के लिए तो नमकीन भी लग सकता है, मीठा और नमकीन दोनों लगा सकते हैं दत्तात्रेय भगवान के लिए, तो बाकी हनुमान जी के लिए, विष्णु के लिए और लक्ष्मी के लिए मीठा प्रसाद आप लगा सकते हैं, मिश्री लगा सकते हैं आप, बतासी लगा सकते हैं आप, बहुत चीज़ें हैं, बहुत कुछ सब लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो ऐसे करें। माला का इसमें वैसे लेने के लिए जो बताऊँ, विष्णु की मैं तो तुलसी की माला ले सकते हैं आप,
चंदन की माला ले सकते हैं, रक्त चंदन की माला ले सकते हैं, हल्दी की माला ले सकते हैं, ठीक है। हनुमान जी के लिए आप रुद्राक्ष ले सकते हैं और तुलसी की माला ले सकते हैं और रक्त चंदन ले सकते हैं। लक्ष्मी के लिए कमलकट्टा ले सकते हैं, स्फटिक ले सकते हैं और तुलसी की ले सकते हैं, ठीक है ना। दत्तात्रेय के लिए कोई भी माला चलेगी, ठीक है ना। तो आप इसे करिए और शुरू करिए इसे। और ध्यान रखिएगा इस चीज़ में, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, जो छोटे प्रयोग, वैसे ये तो लंबा प्रयोग है, जो छोटे प्रयोग होते हैं उनमें आपकी श्रद्धा विशेष ही फलदायी होती है। और जो बड़े प्रयोग होते हैं उसमें एक एकाग्रता, मतलब लगातार कंटिन्यू एकाग्रता, वो फलदायी होती है। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं कि उस चीज़ को करने के बाद कोई काम स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज़ आरंभ करते हैं, मन साधना हुई, कोई भी काम हुआ, आपने पढ़ाई हुई, एजुकेशन हुई, स्टडी हुई, जॉब हुई, क्या करते हैं, मतलब पहले तो बड़े जोश में शुरू करते हैं, बड़े मन से, लेकिन बाद में उनका इंटरेस्ट उसमें घटता चला जाता, फिर वो निराशावादी हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, या तो उस चीज़ को करिए ही मत ना, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है उसमें तो उस चीज़ को मत करिए, और इंटरेस्ट है तो उसको अच्छी तरह करिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, आप करिए और उसको देखिए, फिर बताइए मुझे आज रात 9 बजे से 12:30-1 बजे तक, ठीक है। फिर कल दिन भर है पूरा आपके पास, परसों का भी दिन है, ऐसे 3 दिन में कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं इनको। आज से आपका तो आज से आप इसे कर सकते हैं आराम से। तीनों ही ये बहुत अच्छी मंत्र मैंने दी है आपको, इसे आराम से आप करें, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई इसमें सुरक्षा घेरे की आवश्यकता नहीं है, कोई बंधन की आवश्यकता नहीं है, कोई दिशा बंधन नहीं है इसमें। बस ये ध्यान रखना पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करनी है, ठीक है। चलिए मित्रों, जय माता रानी, जय भगवानी, जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की।